सब्सक्राइब कीजिए एसेट योगी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फाइनेंस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है और एसेट योगी में आपका स्वागत है, जहां हम फाइनेंस की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा अंग्रेजी की एक कहावत है, हार्ड वर्क पेज, बट डज इट रियली? क्या सच में हार्ड वर्क पे करता है? हार्ड वर्क एक्चुअली आप देखें एनालाइज करके तो कौन सबसे ज्यादा करता है? मे बी आपके घर में मेड बहुत हार्ड वर्क करती है, मे बी कंस्ट्रक्शन लेबर बहुत हार्ड वर्क करता है, मे बी शायद रोड पे रिक्शा चलाने वाला बहुत हार्ड वर्क करता है, बट डज दैट रियली पे देम ऑफ? तो आई थिंक हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब स्मार्ट वर्क को अगर हम थोड़ा सा और डिवाइड करें तो स्मार्ट वर्क का मतलब क्या है? क्या उसके अंदर हार्ड वर्क नहीं होता है? हार्ड वर्क डेफिनेटली स्मार्ट वर्क के अंदर भी होता है, बट आप अगर कम समय में ज्यादा चीज अचीव कर पाएं उसे हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क किस वजह से हो पाता है? एक तो होता है आपका एजुकेशन, जिससे आप अपनी नॉलेज और स्किल्स बढ़ाते हैं। बेसिकली आप अपने ब्रेन की पावर को यूज कर रहे हैं, तो उसे हम स्मार्ट वर्क कह देते हैं। लेकिन साथ में उसमें एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं पैसे की समझ। पैसे की समझ जरूरी नहीं है कि आपको उसके लिए जीनियस होना जरूरी है। ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, जीनियस लोग हैं, हो सकता है आपने अपने आसपास भी देखे हों इस तरीके के एग्जाम्पल्स, लेकिन वो अमीर ना हो, हो सकता है उन्हें पैसे की बहुत ज्यादा समझ ना हो। साथ ही में हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कई बार जो बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते हैं लेकिन उन्हें पैसे की समझ बहुत अच्छी होती है। तो अब ये पैसे की समझ आखिर है क्या? देखिए, अगर आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझते हैं तो मैं समझता हूं कि शायद आपको ऑलरेडी एक सीक्रेट बहुत बड़ा मालूम है। पैसे की समझ आपको डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो है। तो इस वीडियो में मैं आपसे पैसे की समझ यानी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में बात करूंगा, जो इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको थोड़ा सा इंप्लीमेंट कर लें अपनी लाइफ में तो आपको हो सकता है पैसे के लिए कभी काम ना करना पड़े, पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं पैसे के इस सबसे बड़े सीक्रेट को, चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ। चलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैं आपको एक छोटी सी कहानी से समझाता हूं। एक बार एक राजा था जो काफी उदार दिल का था, उसके लिए उसका वचन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसका कहना था कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसे में उसके पास एक कवि आता है जो उसको अपनी कविताओं से काफी इंप्रेस कर देता है। अब ये कवि जो है काफी स्मार्ट होता है। राजा उसको कहता है कि मैं तुम्हारी कविताओं से काफी खुश हूं, तुम अपनी कोई भी एक विश मांगो, कोई भी अपनी एक इच्छा जाहिर करो जिसको मैं 100% पूरा करूंगा। तो अब ये कवि, क्योंकि काफी स्मार्ट था उस वक्त, राजा चेस खेल रहा था, तो कवि उसको कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ चावल के कुछ दाने चाहिए। तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हें चावल के कितने दाने चाहिए? तो कवि कहता है कि मुझे चावल के सिर्फ इतने दाने चाहिए कि अगर आप इस चेस बोर्ड पे एक दाना रखें, पहले ब्लॉक के अंदर, पहले डब्बे के अंदर एक दाना रखें, तो दूसरे उसके अंदर उसको आप डबल कर दें, तीसरे में उसको फिर से डबल कर दें, तो मतलब ये दुगना का चौगुना हो जाएगा। फिर चौथे में आप इसको 8 कर दें, 16 कर दें, पांचवे में, इस तरीके से बस आप इस ब्लॉक्स के अंदर डबल करते जाएं। तो जैसे जैसे आप डबल करते जाएंगे, जो फाइनल ब्लॉक होगा उसके अंदर जितने भी दाने होंगे मैं उतने दाने ले लूंगा। तो राजा कहता है, बस इतनी सी बात है, ये तो काफी सिंपल है, तुम्हारी विश ग्रांटेड। अब आप कहेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, कुछ चावल के दाने ही मांगे हैं उसने। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, इसके अंदर कैलकुलेशन की बात है कि ये फाइनल कितना अमाउंट हो गया होगा। देखिए यहाँ पे डबल हो रहा है, तो ये बेसिकली 2 की पावर 1 हो गई और ये बेसिकली 2 की पावर 2 हो गई। इस तरीके से आप अगर इसको डबल करते चले जाएंगे तो फाइनल उसके अंदर कितना अमाउंट आएगा, ये बेसिकली 2 की पावर 63 आ जाएगा, राइट? इसके अंदर टोटल मिला के 64 डब्बे हैं, तो 2 to the power 64 - 1, राइट? यहाँ पे देखिए 2 की पावर 0 है और यहाँ पे 2 की पावर 1, तो सेकेंड डब्बे में 2 की पावर 1 आ रही है, एक नंबर कम आ रहा है टोटल नंबर ऑफ डब्बे से, राइट? तो एक्सपोनेंट में हम एक नंबर कम लेंगे। अब देखते हैं ये 2 to the power 63 आखिर कितना होता है, इसको एक बार जरा कैलकुलेट करके समझ के तो देखें। देखिए 2 to the power 63 को मैं ब्रेक कर देता हूं 2 to the power 32 इनटू 2 to the power 31 कर देता हूं। अब आप ये देखिए 2 to the power 32 को आप एक्सेल में कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये अमाउंट हो जाएगा आपका 429 करोड़, और 2 to the power 31 आपका हो जाएगा 215 करोड़, राइट? अब जब आप इस फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पता है कितना अमाउंट हो जाएगा, 92235 इंटू 10 to the power 14, तो मतलब 92235 करोड़, दो बार करोड़ कह रहा हूं मैं यहां पे,
अब देखिए इसको हम एक बार जरा रुपयों में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ये टोटल राइस ग्रेन्स आ गए, राइट। अब अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो 1 केजी के अंदर 50,000 ग्रेन्स होते हैं, राइस के जो दाने होते हैं वो 50,000 होते हैं करीब करीब। तो अब हम इसको अगर कैलकुलेट करें केजीज के अंदर ये जो दाने हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको बेसिकली 50 से डिवाइड कर देंगे 50,000 से, राइट। तो इतना किलो आपके पास राइस आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये जो अमाउंट है ये बेसिकली आपका हो जाता है 1.85 × 10^14 kg। इतना आपके पास राइस आ गया। अब लेट से अगर हम इसकी थोड़ी सी रुपयों में कैलकुलेशन करें, अगर हम आज की डेट में लेट से मान लेते हैं कि 50 रुपए किलो का चावल मिलता है, तो इसको मैं 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये अमाउंट आपका बन जाता है 92.235 × 10^14। इतने रुपए बन जाते हैं ये। अब आप इसकी जरा कैलकुलेशन करके देखिए कि ये कितने रुपए का राइस हो गया। इसको मैं चलिए आपको थोड़ा सा कंपैरिजन दिखा देता हूं। अगर आप इसको 70 से डिवाइड करते हैं, इसको अगर हम डॉलर में निकालने की कोशिश करें, आप इसको बेसिकली 70 से डिवाइड कर देंगे। अगर आज की डेट में मैं अप्रोक्सीमेट मान लेता हूं 70 रुपए का अगर डॉलर है, तो बेसिकली ये हो गया आपका 1.318 × 10^14 डॉलर्स। अब अगर इसको मैं आपको, वैसे देखिए 1 ट्रिलियन डॉलर के अंदर 10^12 होता है, तो अगर मैं इसको ट्रिलियन में लिखूं तो ये बेसिकली हो जाएगा 132 ट्रिलियन डॉलर्स। आप समझ सकते हैं ये कितना अमाउंट है। 2017 के अंदर जो वर्ल्ड जीडीपी था वो मालूम है आपको कितना था, वर्ल्ड का जो जीडीपी था वो करीब करीब 80 ट्रिलियन डॉलर का था। 80 यहां पे मैं लिख देता हूं, 80 ट्रिलियन डॉलर का, उससे भी ज्यादा अमाउंट है ये। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस तरीके की कैलकुलेशन हो रही है यहां पे। अब देखिए यहां पे हो क्या रहा है कि हर डब्बे पे 100% ग्रोथ हो रही है, तो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न जो है यहां पे 100% आ रहा है। और पीरियड अगर मैं आपको यहां कहूं तो एन जो है वो 63 है। तो यहां पे देखिए, यहां पे क्योंकि 63 बार ये डबल हुआ है, राइट, 2^63, तो ये 63 बार डबल हुआ है। तो ये जो रेट ऑफ रिटर्न है और ये जो पीरियड है, ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपाउंडिंग में। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको और एग्जाम्पल से समझाता हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड ही हु डजंट पेज इट। अब इस बात की आप गहराई समझ के देखिए, आज की डेट में अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो आप लेट से 30 से लेकर 40% का इंटरेस्ट रेट भर रहे होते हैं, इंटरेस्ट, राइट। तो अगर आप इतना परसेंट इंटरेस्ट भरेंगे तो आपकी वेल्थ कम नहीं, इतनी धीरे धीरे करके इतनी कम हो जाएगी जिकि आप बेसिकली अगर अमीर भी होंगे तो आप गरीब हो सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इतना हाई इंटरेस्ट रेट होता है। सिमिलरली अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं 15% 20% का अगर आप इंटरेस्ट भर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली अमीर नहीं हो सकते और गरीबी भी बहुत दूर नहीं है अगर आप इतना हाई इंटरेस्ट रेट भरते रहते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि अगर आपको बहुत ज़रूरत है इतने हाई इंटरेस्ट रेट की और आपको इमरजेंसी में कोई फंड चाहिए, आप डेफिनेटली इस तरीके के लोन ले सकते हैं, बट आप इसको अपनी आदत मत बनाइए। दूसरा, अगर आप इतना परसेंट कमाते रहते हैं, मान लीजिए ये क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी होती, आप अगर 30-40% कमा रहे होते रेट ऑफ रिटर्न, तो आपको अमीर होने से भी कोई नहीं रोक सकता था, राइट। तो मैं ये नहीं कहता कि 30-40% रेट आप कमा सकते हैं आप, लेकिन डेफिनेटली 15 से 20% के इंटरेस्ट रेट जरूर कमा सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न अगर हम 15 से 20% की बात करें तो ये कोई नामुमकिन नहीं है। चलिए अब समझते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। सिंपल इंटरेस्ट का बेसिकली फॉर्मूला होता है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ रिटर्न इनटू नंबर ऑफ पीरियड्स। तो जब आप अमाउंट कैलकुलेट करते हैं अपना अगले साल का या उससे अगले साल का, तो आप प्रिंसिपल के अंदर ये जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है ये ऐड करते चले जाते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल लें, मान लीजिए आपके पास इनिशियली 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है और आप रेट ऑफ रिटर्न आपको 15% का मिलता है सिंपल इंटरेस्ट में, तो किस तरीके की कैलकुलेशन आती है आपकी। यहां पे मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए हैं 0 डेट के ऊपर, 1 साल बाद आपके पास कितने होंगे, तो बेसिकली आप सबसे पहले अपना इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर लेंगे। इंटरेस्ट हो गया आपका प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ रिटर्न इनटू नंबर ऑफ पीरियड्स, तो बेसिकली 100,000 मतलब 1 लाख रुपए इनटू रेट ऑफ रिटर्न आपका हो गया 15%, 0.15 लिख दिया मैंने यहां पे, इनटू नंबर ऑफ पीरियड आपका हो गया 1, राइट। तो ये बेसिकली आपका आ गया 15,000 रुपए इंटरेस्ट, ये आपको हर साल मिलेगा, ये फिक्स्ड है, ठीक है जी। तो आपके लिए ये जो हर साल का जो ये इंटरेस्ट रेट है, ये हर साल 15,000 ही बढ़ता रहेगा। तो पहले साल में आपका बेसिकली 15,000 एक्स्ट्रा हुआ 1 लाख के ऊपर, तो ये 1,15,000 हो गया।
फिर अगले साल आप उसके अंदर 15,000 और ऐड कर दीजिए, 1,30,000 हो गया, तीसरे साल में फिर से 15,000 ऐड कर दीजिए। इस तरीके से अगर आप 5 साल बाद कैलकुलेट करते हैं तो आपका अमाउंट जो होता है वो 1,75,000 हो जाता है। और इस तरीके से मान लीजिए आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, और मान लीजिए आज आपकी एज 25 साल है, तो जब भी आप रिटायर होंगे लेट से 35 साल के बाद, ये आज आपकी करंट एज है राइट, तो 35 साल के बाद आपको सिंपल इंटरेस्ट से कितना पैसा मिलेगा, 6,25,000 रुपए राइट। अब हम इसको कंपेयर करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट से। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है जो आपकी फ्यूचर वैल्यू होती है, मतलब जो फाइनल अमाउंट होता है, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+R रेज टू द पावर एन। अब यहां पे जो ये एन है ना, ये एक्सपोनेंट में चला गया है, ये रेज टू द पावर एन हो गया है। तो अब चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं कैसे होगी। आपका यहां पे जीरो डेट में 1,00,000 रुपए आ गए राइट। फर्स्ट ईयर के अंदर आप बेसिकली क्या करेंगे, जो ये आपका ये अमाउंट होगा, ये आपकी कैलकुलेशन यहां पे मैं करके दिखा देता हूं। ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपका हो गया 100, बेसिकली 1,00,000 रुपए इंटू 1+0.15 और रेज टू दी पावर आपकी 1 हो गई यहां पे राइट। तो ये आपका 1,15,000 आ गया। सेकेंड ईयर में ये आपकी बेसिकली पावर बढ़ती चली जाएगी, ये 2 हो जाएगी ठीक है जी। तो ये आपका 1,32,250 हो गया। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा हो गया थोड़ा। अब जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस है ये काफी बढ़ता चला जाएगा। देखिए 5वें साल के अंदर आप सिंपल इंटरेस्ट से कमाते 1,75,000 रुपए राइट, और अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट से उस पैसे को लगाते तो आपका अमाउंट हो जाता ये 2,00,000 के ऊपर, सीधे 25,000 का डिफरेंस। अब मान लीजिए आप 15% के रिटर्न कमाते रहते हैं और 35 साल तक कमाते रहते हैं, तो देखिए आपका कितना अमाउंट हो जाता है, आपका अमाउंट हो जाता है 1,33,17,000 रुपए। अब देखिए ये डिफरेंस कितना ज्यादा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। मैंने यहां पे कुछ नहीं किया है, आप ये बेसिकली ये जो कैलकुलेशन है यहां पे आप 2 की जगह 35 कर दीजिए ठीक है जी। आप 35 साल तक बेसिकली 15% के रिटर्न कमा रहे हैं राइट। तो आप ये जो कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 1,33,17,000 रुपए। अब देखिए 6,25,000 बेसिकली 1,33,00,000 के सामने कुछ भी नहीं है। तो यहां पे दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो आपका ये जो रेट ऑफ रिटर्न है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका ये जो पीरियड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना ज्यादा टाइम पीरियड होता जाता है उतना ही ज्यादा आप कमाते चले जाते हैं। कंपाउंडिंग में होता क्या है, आप बेसिकली यहां पर जैसे आपने 15% के रिटर्न कमाए राइट, यहां पर 15% हुआ एड, उसके बाद ये बेस अमाउंट हो गया, इसके ऊपर आपके 15% लगे, इसके ऊपर आपने 15% कमाए, फिर आपने इसके ऊपर 15% कमाए ठीक है जी। ये ऐसे करके ऐड होता जा रहा है, जितना आपका फाइनल अमाउंट होता जाएगा उसके ऊपर आप 15% कमाते रहेंगे, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट के अंदर तो बस आप 15,000 ही हर साल ऐड कर रहे हैं ठीक है जी। तो इसी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट को आइंस्टाइन ने भी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा है। अब मैं अगर आपको इसको चार्ट के अंदर दिखाऊं तो देखिए ये आप प्लॉट भी देख सकते हैं। देखिए ये 35 साल का मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल कर्व है कंपाउंड इंटरेस्ट का, और ये जो ब्लू कलर से देख रहे हैं आप ये सिंपल इंटरेस्ट का लीनियर कर्व है। आप देखिए कितना कम पैसा कमाएंगे आप 35 साल के बाद। और एक और चीज का आप ध्यान दीजिए, इनिशियली आप 5, 6, 7, 8 इनफैक्ट 8, 9 साल तक कोई खास डिफरेंस नहीं है राइट। जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बढ़ रहा है आपका ये जो डिफरेंस है ये देखिए कितना ज्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, एक तो रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा ये टाइम पीरियड। तो आखिर क्या चीज है जो सबसे ज्यादा मैटर करती है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब इस कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स हैं मेन। सबसे पहले तो आपका ये पी अमाउंट है, बेसिकली ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है आपका जो आप इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं राइट। फिर आर आपका हो गया रेट ऑफ रिटर्न और एन हो गया आपका नंबर ऑफ पीरियड। तो अब जैसा मैंने आपको पहले कहा ये जो रेट ऑफ रिटर्न और नंबर ऑफ पीरियड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम इसकी थोड़ी सी और गहराई समझना चाहें तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए अगर आप 10,000 रुपए हर महीने इन्वेस्ट करते हैं और लेट से आप 15% के रिटर्न्स कमा लेते हैं, 35 साल तक अगर आप इन्वेस्ट करते रहते हैं, मान लीजिए आज आपकी जो एज है वो 25 साल है राइट, तो आप रिटायर होंगे 60 साल की एज में, तो आप अगर 35 साल तक इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा 35 साल के बाद, देखिए अ वॉपिंग 14.67 करोड़। आपको 14.5 करोड़ से भी ज्यादा रुपया मिलेगा अगर आप खाली 10,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते रहते हैं और आप रेट ऑफ रिटर्न 15% कमा लेते हैं। तो अब देखिए यहां पे मैंने कैलकुलेशन पूरी नहीं समझा रहा हूं मैं इस वीडियो के अंदर, मैंने इसके बारे में ऑलरेडी काफी डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं,
फ्यूचर वैल्यू का आप मेरा वीडियो देखिए, ये फ्यूचर वैल्यू में आपको पता चलेगा कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसकी कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू उसकी कैसे निकाल सकते हैं, राइट। और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी बेसिकली आपकी रेगुलर इन्वेस्टमेंट होती है। अगर आप हर महीने कुछ पैसा डालते रहते हैं, रेगुलर मतलब आप या तो हर महीने कुछ पैसा डालते रहें या क्वार्टरली डालें या एनुअली डालें, तो आप कैसे अपनी फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए वापस अब हम इस फॉर्मूले में आते हैं। तीन चीज़ें जो हमने कही इंपॉर्टेंट हैं, तो पहला तो प्रिंसिपल अमाउंट ही इंपॉर्टेंट है कि आप अप फ्रंट कितना पैसा डाल देते हैं या आप हर महीने कितना पैसा डालते हैं। अब नेचुरल सी बात है, अगर आप यहाँ लेट से ₹10,000 पर मंथ डाल रहे हैं, अगर आप इसको डबल कर देते हैं, आप 20,000 पर मंथ डालना शुरू कर देते हैं, तो ये जो 14.5 करोड़ रुपए हैं ये आपके बेसिकली 29 करोड़ हो जाएंगे। वेरी सिंपल। तो अब ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है ये किस चीज पे डिपेंड करता है? सिंपल सी बात है, ये आपकी एजुकेशन पे, आपके स्किल्स पे और ओल्ड मनी। ओल्ड मनी का मतलब अगर आपको कहीं से एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल गई है, कहीं से आपका कोई ऑलरेडी कोई सेट बिजनेस है, तो डेफिनेटली आपके पास पुराना पैसा होगा। और इसी वजह से बहुत लोग बहुत स्मार्ट नहीं भी होते हैं लेकिन उनके पास पुराना पैसा होता है, साथ में वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग समझ जाते हैं, तो वो पैसे को मल्टीप्लाई करते रहते हैं और वो खुद काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता चला जाता है, राइट। तो अब मान लीजिए, चलिए आपके पास इनिशियल अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आप कुछ ना कुछ नौकरी करते होंगे, कुछ ना कुछ पैसा वहाँ पे कमाते होंगे, आप अपनी एजुकेशन बढ़ा सकते हैं, अपने स्किल्स बढ़ा सकते हैं, नेचुरली आपका इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे आर, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न किस चीज़ पे डिपेंड करता है? अब मैंने यहाँ पे कह तो दिया 15% का रिटर्न आप कमा लीजिए। देखिए ये कोई बहुत आसान तो नहीं है, डेफिनेटली इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। शेयर मार्केट के अंदर लोग कह देते हैं बहुत आसान है, ऐसा भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। लोग कहते हैं हमने 20-25% 30-35% के रिटर्न्स कमा लिए, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए। आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहिए, डेफिनेटली मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई चीज़ इम्पॉसिबल है, बट उसके लिए आपको अपनी फाइनेंशियल नॉलेज और विजडम बढ़ानी पड़ेगी, उसके बाद ही आप अपने रेट ऑफ रिटर्न हाई ले पाएंगे, राइट। अब तीसरा फैक्टर है यहाँ पे ये टाइम पीरियड, जिसकी हमने यहाँ पे बात करी थी कि पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हमने अपने एग्जाम्पल में लिया था, जो हमने चेस बोर्ड का एग्जाम्पल लिया था, हमने उसमें 2 to the power 63 किया था, राइट। अब अगर हम इसे यहाँ, और साथ में हमने 100% के रिटर्न्स भी लिए थे। पहली बात तो रियल लाइफ में आप 100% रिटर्न्स एनुअली तो कमा ही नहीं सकते, राइट। और दूसरी बात, क्या 63 साल तक आप जिंदा रहेंगे? मतलब 63 साल का क्या आपका करियर है? नेचुरल सी बात है कि ये आपका इतना बड़ा करियर तो नहीं होगा। अगर हाँ हो जाता है तो व्हाई नॉट, बिल्कुल कर सकते हैं आप। तो बेसिकली ये जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करेगा कि आपको कितनी जल्दी समझ में आ जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का इफेक्ट बहुत जल्दी कम उम्र में समझ में आ गया, अगर आप मान लीजिए 14-15 साल के ही हैं, आपको अगर कम उम्र में समझ में आ जाता है तो आप जल्दी पैसा कमा के जल्दी उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो हो सकता है आपको 30-40 की एज के बाद काम ही ना करना पड़े, पैसा ही आपको कमा के इतना पैसा देता रहेगा कि मनी विल वर्क फॉर यू एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क फॉर मनी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपने विचार शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या इस चैनल से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। इनफैक्ट आप टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं फ्यूचर वीडियोस के लिए। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मैं हर रोज फाइनेंस के इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे शेयर करता रहता हूं, तो आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे से सब्सक्राइब करके अपने फोन में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, कमाते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।